नौगांव वन विभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। दलित बस्ती से शराब की दुकान हटाने के संबंध में छतरपुर जिले के नौगांव मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर ग्राम अलीपुरा में दलित बस्ती में 4 दिन पहले शराब की दुकान रखी गई है, जिससे सभी मोहल्ले वासियों को आपत्ति है, क्योंकि शराब दारू की दुकान के पास 10 कदम दूरी पर भगवान शंकर जी का मंदिर है एवं 5 कदम पर पानी भरने के लिए सार्वजनिक हैंडपंप है, जिसमें पूजा करने वाली महिलाएं एवं हैंडपंप से पानी भरने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। पूरे दिन एवं रात में दारू पीने वाले असामाजिक तत्व के द्वारा महिलाओं से व्यवहार करते हैं। ग्राम अलीपुरा के रहवासियों में महिलाएं एवं पुरुषों के द्वारा नौगांव तहसील में रैली निकालकर एवं हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं और भविष्य में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। महिलाओं के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर दुकान नहीं हटती है तो उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन के दौरान ममता अहिरवार, रेखा अहिरवार, मालती अहिरवार, मानकुवर बरार, फूला अहिरवार, राधा, सावित्री अहिरवार, हीराबाई, भारती अनुरागी, चंदन अहिरवार, अशोक बरार, दिनेश श्रीवास, धूराम बरार, रामपाल अहिरवार सहित 200 महिला एवं पुरुष ज्ञापन में शामिल हुए। कुलदीप वर्मा, बुंदेली न्यूज। हमें अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम इसलिए आए हैं कि हम परेशान हैं, यही से ऐसा है ना, दारू काटकर रखा है वहाँ, हमारे यहाँ से हटना चाहिए, बहुत दिया परेशान हो रही है, उनको हटाना चाहिए, हमारे से परेशान है, क्या हो गया? वो बुरी तरह से रहते हैं, गाली गाली देते हैं, रात में भी घूमते हैं, तो इसलिए बोला कि वहाँ से हटाना चाहिए, मर्जी चाहे जहाँ भी जाए। क्या है, क्या है वहाँ? वो दारू दारू गठे का। कहाँ आई हैं अभी आप? नौगांव तहसील। ठीक है, एक आप बोल दो। आवेदन दिया है, क्या है? आज जो अलीपुरा ग्राम में दारू की दुकान जानबूझकर अनुसूचित जाति की बस्ती के जस्ट बगल में रखवा दी गई है, जो कि बहुत ही गलत है। ये या तो हम कह सकते हैं क्या सरकार खुद एससी वर्ग के बच्चों को भविष्य खराब करना चाहती है, या फिर वो लोग भविष्य खराब करना चाहते हैं जो लोग इन बच्चों को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। यदि वहाँ से दारू की दुकान बहुत जल्द नहीं हटती है तो भीमानी भारत एकता मिशन छतरपुर जिले के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उस आंदोलन में जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। नंबर 14 में जो हमारा पूरा बहुजन समाज, अहिरवार समाज रहता है, उनकी मिली भगत से, उनकी तानाशाही रवैये से जानबूझकर उन्हें ठेका देसी और अंग्रेजी तरह की दुकान रखी गई। उसमें माताएं बहनें बड़ी परेशान हैं, वह लड़कियों पर बुरी निगाह से देखते हैं, गाड़ी गलौज होती, रात में गुंडे 8-10 टोली बना के मोहल्ले घूमते हैं, वारदात होने की पूरी संभावना है, क्योंकि चोरी भी हो सकती हैं और लड़कियों की छेड़ा जाएगा, बहुत सी वारदात होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी आगे ये लोग खराब करने में तुले हुए हैं। दुकान नहीं हटेगी तो क्या अगला कदम क्या है? दुकान नहीं हटेगी तो हम लोग अभी कलेक्टर साहब को जाएंगे और अपने आपका विभाग अधिकारी भी जाएंगे, सीएम साहब, यानी कि हम लोग आंदोलन भी करेंगे और रोडों पर भी आएंगे हम लोग।